हेलो एवरीवन, मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सभी का इजी टेक पंकज के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से गूगल पे की हेल्प से अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कंपनी का सिम यूज कर रहे हो और दोस्तों इससे आप किसी और का नंबर भी रिचार्ज कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको गूगल पे की जो ऐप होती है उसको डाउनलोड कर लेना है और सबसे पहला काम, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, आपको उसको लिंक कराना पड़ता है अपने अकाउंट से। दोस्तों तभी वो लिंक होगा जिस मोबाइल पे आप दोस्तों रिचार्ज कर रहे हैं, उसका जो मोबाइल नंबर होगा वो लिंक होना चाहिए आपके खाते के साथ। तो इतना प्रोसेस होता है दोस्तों। अगर आपको ये नहीं आता है तो इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आप किस तरीके से रिचार्ज करेंगे अपने मोबाइल को गूगल पे की हेल्प से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। अब सबसे पहले हम गूगल पे की ऐप को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 डिजिट की पिन मांगी जाती है जब आप इसका अकाउंट बनाते हैं, तब दोस्तों आप खुद से इसको क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले पिन डाल लेते हैं जो 4 डिजिट की हमारी होती है। तो दोस्तों, जैसे हमने पिन डाली, देखिए हमारा जो गूगल पे की ऐप है वो ओपन हो चुकी है। अब देखिए, हमको यहाँ से रिचार्ज करना है अपना मोबाइल। तो सबसे ऊपर देखिए आपको बिल, रिचार्ज, डीटीएच, यहाँ पर देखिए बहुत से ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो इसका सिंपल तरीका यह है दोस्तों, एक तो डायरेक्टली हम इसे रिचार्ज कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों आप न्यू पेमेंट्स के साथ भी यहाँ पर क्लिक करके रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलिए न्यू पेमेंट पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों, जैसे ही हमने न्यू पेमेंट पे क्लिक करा, यहाँ पर दोस्तों हमको देखिए सबसे ऊपर दिखाई दे रहा पड़ेगा मोबाइल रिचार्ज, इस पर हमको क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों, हमको जिस नंबर पे रिचार्ज करना है, जिस भी कंपनी का आप सिम यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले कंट्री कोड आ चुका है, यहाँ पर वो नंबर हमको फिल करना होगा। तो चलिए फटाफट से हम नंबर फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, नंबर हमने यहाँ पे फिल कर लिया है, अब हमको देखिए यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब जिस भी ऑपरेटर का दोस्तों आप सिम यूज कर रहे हैं, वो देखिए ऊपर वहां पर उसका नाम आ जाएगा। देखिए हमारा एयरटेल प्रीपेड का था, तो देखिए एयरटेल प्रीपेड यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। अब दोस्तों, नीचे की तरफ आप जाएंगे तो आपको देखिए बहुत से यहाँ पर रिचार्ज जो रहते हैं प्लान, वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लग जाएंगे। फॉर यू रिकमेंडेड दोस्तों, बहुत से रिचार्ज यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। आप इस रिचार्ज को देखिए यहाँ पे ठीक से समझ के इसको अपने हिसाब से रिचार्ज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको रिचार्ज करना है। तो चलिए हम स्पेशल रिचार्ज में जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देखिए, तो दोस्तों हम रिचार्ज कर रहे हैं 79 का। देखिए हम 79 का रिचार्ज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको टॉक टाइम चाहिए रहता है। तो आप दोस्तों अपने हिसाब से अनलिमिटेड यहाँ प्लान भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर दोस्तों आपको बहुत से प्लान यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, तो अपने हिसाब से आप उनको चूज कर सकते हैं। तो हम 79 रुपए का आपको रिचार्ज करके दिखा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ी देर यहाँ प्रोसेस लेगा ये प्रोसीड टू पे के लिए। अब दोस्तों आप देखिए, जो आपका बैंक अकाउंट है यहाँ पर जो हमने लिंक करा रखा वहां पर वो आ जाएगा। तो PNB का हमारा बैंक था दोस्तों, यहाँ पर ये आ चुका है। अब दोस्तों हमको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है, तो चलिए इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही प्रोसीड टू पे पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर आपको UPI पिन डालना पड़ेगा जो कि होता है 6 डिजिट का। ये भी दोस्तों आप खुद से क्रिएट करते हैं जब आप इसका अकाउंट बनाते हैं गूगल पे का। तो चलिए फटाफट से हम इसको भी फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों UPI पिन भी हमने यहाँ पे फिल कर लिया है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हम राइट क्लिक आपको दिखाई दे रहा पड़ेगा, तो राइट के निशान पे आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब पेमेंट प्रोसेसिंग यहाँ पर हमारी होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब ये पेड वेटिंग फॉर दिखा रहा है, थोड़ी देर में ये हमारा स्टार्ट देखिए सक्सेसफुली आपको दिखा देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, एयरटेल की तरफ से हमको मैसेज आ चुका है, हमारा 79 रुपीज का जो रिचार्ज है वो हो चुका है। देख सकते हैं आप, सक्सेसफुली हो चुका है हमारा जो 79 रुपीज का हमने रिचार्ज कराया। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, आपको सेम इसी तरीके से ये प्रोसेस करना होगा स्टेप बाय स्टेप और आपका जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पे पेड आ चुका है दोस्तों, और हमारे जो बैंक से रुपए कटे थे उसका मैसेज भी हमको मिल चुका है। तो इतना सरल सा प्रोसेस दोस्तों, आप आसानी से घर बैठे अपना मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों अपने फैमिली मेंबर का या अपने किसी फ्रेंड्स का भी मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं गूगल पे की हेल्प से। आई होप दोस्तों अब आपको
पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपको रिचार्ज करना है अपना मोबाइल गूगल पे की हेल्प से। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करेगा दोस्तों को, शेयर जरूर करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको मिलते हैं यूट्यूब रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड नए नए वीडियो हर रोज। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में बहुत ही जल्द इजी टाइप विद पंकज में।